हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल और कैसे हो आप सभी आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और बस यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ आज आ, मतलब कार्तिक के लिए मैं बना रही हूँ टिफिन में ढोकली तो और मैंने यहाँ पर कुकर में पानी भी रख दिया है तो थोड़ा सा ही मैं बना रही हूँ उसी के लिए बस तो टिफ़िन में रख लेगा और कुछ बच जाएंगे तो आकर खा लेगा तो बस ऐसा थोड़ा बहुत छोटा छोटा सा ऐसा नाश्ता मैं दे देती हूँ बनाकर ताकि वो ले जाए ले और आज मैं उसको सरप्राइज भी देने वाली हूँ क्योंकि उसको पता नहीं है कि मैं क्या बना रही हूँ तो वो बाहर जब तक अपना ब्रश ड्रेस वेस पहन रहा है ब्रश कर रहा है तो बस मैं उससे बार बार पूछ रही थी तो वो देखने आया था फिर मैंने छुपा लिया तो मैं उसे दिखा नहीं रही थी इस तरीके का सरप्राइज़ देने में ना मुझे कार्तिक को बहुत अच्छा लगता है और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर टिफ़िन में पर ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं हैं लेकिन फिर भी अभी थोड़ी बहुत ऐसे बच्चे चटर पटर खाते ही रहते हैं ना क्योंकि अभी लंच नहीं हो रहा है लेकिन आखिरी में जब स्कूल में वो हो जाती छुट्टी तो वह बैठे बाहर बैठकर खेलते हैं खाते हैं तो इसीलिए मैं इस टाइप का देती हूँ बनाकर तो देखिए मैं यहाँ पर मैंने जो बैटर है वो तैयार हो गया था थोड़ा सा ही मैंने बताया ना मैं ये डिब्बे के ढक्कन में ही बना रही हूँ और ज़्यादातर मैं जब कार्तिक को अकेले बनाना होता है खाने के लिए तो मैं इसी ढक्कन में बना देती हूँ तो मैंने बस थोड़ा सा पानी डाला है नीचे जाली रख दी है और ये रख दिया है पकने के लिए और ये पकने के बाद साथ के साथ अभी मैं और काम भी करते जाऊंगी इसी को लेकर नहीं बैठे रहूँगी इसके पहले मैंने ना सुबह सुबह ये उबाल लिए हैं कम से कम दो टोकनी भर के आ, मैंने दो बार में और बना लिए हैं चिप्स कल भी बनाए थे और आज भी बनाए हैं आज की वीडियो तो अब आप लोगों को बाद में ही मिल पाएगी ये तो मैं जब जाने वाली है ये वाली तो वॉइस ओवर कर रही थी तो मैंने छिलके सही थी मैं ऐसे ही बना लेती हूँ क्योंकि एक तो मुझे अकेले करना होता है ना तो फिर कोई ज़्यादा करवाते नहीं हैं तो इस वजह से मैं अकेले ही बनाती हूँ तो ऐसे ही कर लेती हूँ अच्छे से धुल के साफ़ करके और बना लेती हूँ तो सुबह सुबह सबसे पहले मैंने वही काम किया फिर उसके बाद यहाँ नाश्ते की तैयारी की तो ये टिफिन ढोकला देखिए बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बना हुआ है तो बस उसे मैं टिफ़िन में भर के दे दूंगी और मेरा कार्तिक के लिए आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मेरे कार्तिक के लिए और मैं एक क्वेश्चन अभी मैंने जब पढ़ा ना तो मैं भूल जाती हूँ सच में बहुत ही ज़्यादा मुझे फिर अभी मैंने देखा ना तो आप लोगों ने वैसे मैं कर चुकी थी रिप्लाई फिर भी मैं बता रही हूँ कार्तिक फोर्थ क्लास में पढ़ता है इस साल अभी फोर्थ क्लास में है उसके बाद जब वो इस साल जब वो पेपर दे देगा तो उसके बाद फिर वो फाइव क्लास में आ जाएगा तो और कार्तिक को अच्छा बोलने के लिए थैंक यू सो मच मेरे बेटे के लिए कोई तारीफ करता है और मैं खुद भी उसके लिए कुछ करती हूँ कुछ बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बड़ा सुकून मिलता है कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर देना तो बहुत अच्छा लगता है तो बस देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब ये साबुदाना थोड़ा सा तो ये रखा हुआ था कल का भीगा मैंने सोचा था इसके पापड़ बना लूँगी लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया तो फिर मैंने सोचा यही बना ले रही हूँ साबूदाना और आज मेरा फास्ट भी था कल मैंने इसके पापड़ बनाने के लिए फुलाया था थोड़ा सा ही था ज़्यादा नहीं था तो इसमें मैं दो आलू डाल के और पापड़ बनाती तो बाद में बना लूँगी कोई बात नहीं अभी मैं अब मेरा ही काम बन गया क्योंकि मेरा फास्ट है था तो ये मैं बना कर रख दूँगी सारा काम मैं सुबह करती हूँ ना तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है और यहाँ पर देखिए कार्तिक का मैंने टिफ़िन दे दिया था वो जूते नहीं पहन पाया तो जूते पहन रहा है और इसके बाद वो स्कूल चला जाएगा सुबह के ये काम अच्छा रहता है जब मत बच्चों के साथ सारे काम ना जैसे टिफ़िन बनाने के साथ साथ आजकल बहुत जल्दी उठ जाती है ना तो सारे काम ना बहुत जल्दी वाले हो जाते हैं तो अच्छा भी रहता है पूरा दिन एकदम फ्री फ्री रहता है तो बस यहाँ पर मैं उसको कर रही हूँ बाय कार्तिक चला गया अब मैं करूँगी अपना काम मेरे हस्बैंड बस उसको छोड़ कर आ जाएंगे तो वो अपना काम करेंगे और यहाँ पर मैं अभी अपना काम जो है आ, लगे ही हुए लगे ही रहूँगी जब तक काम खत्म नहीं होगा तो बस मेरा जो काम है वो चलता ही रहेगा यहाँ पर मैंने टमाटर निकाल कर रखे हुए हैं और देखिए साबूदाना बहुत अच्छे से ये मतलब आलू पक गए थे और ये इसको भी बहुत अच्छे से पकाना है तो मैं तो ज़्यादातर मैं तो क्या हमारे यहाँ बिना आलू के साबूदाना कोई नहीं बनाता है साबूदाना में आलू और इस तरीके से खड़ी मूँगफली ही डालते हैं तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं पहले का, काफ़ी कमेंट्स आते थे ना आपके आप लोगों के कहती ऐसे नहीं बनाते लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनता है तो मैं भी ऐसे ही बना लेती हूँ यहाँ मैंने सुबह सुबह पुलाव भी बना दिया था मैंने जबकि उसको बोला था कि आज मैंने टिफ़िन के लिए पुलाव बनाया है आलू मटर गोभी का पुलाव बनाया है तो मैंने फिर उसको ऐसा दिया वही मैं आप लोगों से कह रही थी तो ये लोगों के लिए पुलाव हो जाएगा और थोड़ी सी सब्ज़ी थी रात की आलू गोभी की तो वो मैंने इसी के ऊपर ऐसे करके रख दी ताकि ये भी गर्म हो रहेगी जब खाएंगे ना तो गर्म रह जाएगी और यहाँ मेरा भी काम जो है वो हो गया है तो बस टमाटर कट करके और मुझे डालना बाकी है गैस एस मेरा बहुत अच्छे से मैं क्लीन कर ली थी जब खाना पीना बनाया था उसके बाद फिर लास्ट में ये बना रही हूँ तो ये मेरा आखिरी काम है उसके बाद मेरा जो किचन का काम है वो सारा खत्म हो जाएगा तो यहां पर हो जाता है मेरा सारा काम एकदम नीट एंड क्लीन कंप्लीट सारा काम हो गया खाना पीना से लेके हाँ झाड़ू बर्तन पोछा सब काम हो गया है और बस जो साबुदाना का डिब्बा था ख़त्म हो गया था तो वो भी मैंने धोकर और इस तरीके से पलटा कर वहाँ रख दिया है डब्बों के पास ही तो आ, जो भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर मैं उसको मांज के अच्छे से रख देती हूँ अब बारी है चाय बनाने की तो सुबह से मैंने अभी चाय भी नहीं पी है और नहा कर ही पीऊँगी क्योंकि पिछले बार पिछली बार क्या काफ़ी बार आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप नहा कर पी लिया करें इसीलिए मैंने जल्दी ही काम कर लिया और बज रहे हैं आठ बजे मेरा काम हो गया था फिर नहाने चली गई थी साढ़े आठ बजे तक मैं आ, सारा काम खत्म करके नहा धोकर और आ गई आज मैं बनाने वाली हूँ दही तो दही के लिए मैंने दूध मंगवा लिया है और ये दही की रेसिपी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी वो इसलिए क्योंकि यही वीडियो ना थोड़ा सा बड़ा हो गया था तो बस प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा दही बना था और घर पे ही मैं बना लेती हूँ जब से मुझसे आने लगा है आ, इसके पहले से ही मतलब जब मैं मतलब शुरू से ही शादी के एक दो साल बाद से ही मैं घर पे ही बना लेती थी दही तो बस मैं अभी दही को बॉईल करने रख दूँगी और उसके बाद मैंने चाय भी चढ़ा दी है तो अभी मैं जाऊंगी पूजा पाठ और कर लूँगी फटाफट से और आधे घंटे में मैं मेरा जो चाय है पी कर और उसके बाद मेरा जो दूसरा काम है दूसरी जॉब है उस पर निकल जाऊँगी तो बस यही मेरे काम होते हैं सुबह इस जॉब को ख़त्म करना ये जैसे कि सुबह की मॉर्निंग स्कूल से लेके अपने खुद की पूरा काम खत्म करने तक और उसके बाद फिर दूसरी वाली जॉब की तैयारी करूँ तो उसमें पूरा दिन लगेगा हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सभी और अभी मेरा जो सुबह का काम है ना वो हो गया पूरा और बज रहे हैं सुबह के साढ़े आठ सॉरी नौ बज रहे हैं नौ बज रहे हैं और सुबह से मैंने चाय भी नहीं बनाई थी और आज मेरा फास्ट भी है और मैंने सुबह से छः बजे से लग गई थी अपनी चिप्स को उबालने में तो उनको ऊपर डाल के आई हूँ इतना टाइम नहीं था फैलाने के लिए और बस मैं ऐसे ही डाल के आ गई थी तो ये करके आ गए हैं चिप्स फैला के आधे में फैला के आ गई थी आधे ये फैला के आ गए और अभी मैंने चढ़ा दी है चाय तो चाय बन रही है यहाँ पर दूध बॉयल हो रहा है और दूध का आज मैं बनाने वाली हूँ दही तो अब जब तक चाय बनेगी दूध बॉयल होगा तब तक मैं जाके पूजा कर लेती हूँ तो पूजा भी नहीं हुई अभी तो बस फटाफट से पूजा कर लेते हैं पर मैं छोड़ कर गई थी चाय को तो चाय बन गई है पूजा करके आ गई थी अब चाय पियेंगे फिर निकल जाएंगे हम लोग वहाँ से आने के बाद वहाँ से आ गए हम लोग और आने के बाद कुछ चीज़ें और लेकर आई हूँ जो कि ज़रूरी थी तो जैसे कि लड्डू आज लड्डू चाहिए थे तो वो लेकर आई हूँ और उसके बाद ये थोड़ा सा मही लेकर आई हूँ आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि मही कैसे खाते हैं तो मही खाते नहीं हैं मही को पीते हैं तो रायता इसका मतलब दही थोड़ी गाढ़ी होती है तो उसका रायता गाढ़ा वाला बनता है और इसका पतला वाला और एक डब्बा लड्डू लेकर आई हूँ और ये थोड़ी सी दूबा लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट टाइम मैं लेकर आई हूँ गणेश जी के लिए तो मुझे पता नहीं रहा कि यह ज़रूरी होता है तो जब मुझे पता चला तो मैं फिर आज से लेकर आई हूँ तो जहाँ भी मुझे मिल जाएगी तो मैं लेकर आऊँगी ये मैंने चढ़ा दिया है और लड्डू अभी मैं वो भी भोग लगा दूँगी पूजा तो मैंने कर ही दी थी तो लड्डू मैं चढ़ा दूँगी शाम को यही प्रसाद से मैं पहले व्रत खोलती हूँ फिर उसके बाद खाना खाती हूँ स्कूल से आते से ही काटते दो पापा के लिए रखे थे वो भी चटका लिए ढोकला लावर पूरे ढोकले खा लिए हैं मैंने अभी अभी गणेश जी को तो, तो मैंने यहाँ पर अभी गणेश भगवान जी को थोड़ी सी डूबा और लड्डू चढ़ा दिए हैं और ये अलमारी पे जो कपड़े रखे हुए हैं तो आप लोगों ने कहा है कि ये इस पर नहीं रखना चाहिए लेकिन मैं इस पर जैसे भी रखी हूँ क्योंकि थोड़ी सी अभी जगह नहीं बना पाई ना और विंटर वाले ही कपड़े हैं तो आज मैं इसको ना रख दूँगी अब वैसे अब ज़रूरत नहीं है तो इनको बोरी में भर के रख दूँगी हटा दूंगी हाँ मुझे भी ठीक नहीं लगता लेकिन आप लोग जानते ही हैं मेरी छोटी अलमारी है, है तो इसमें ना कपड़े बहुत ज़्यादा भरे हैं ठूस टूँस के फिर भी जगह नहीं है लेकिन जैसे ये वाले रख दिए हैं मैंने इसमें बोरी में भर के रख दिए हैं सारी जितनी भी वो हैं स्वेटर वगैरह अब बस स्टॉल है और ये कार्तिक के जीन्स है तो मैं हटा दूँगी इनको आज मैं हटा दूँगी तो बस आप लोगों से फिर दिखाऊँगी और अभी बस पूजा तो मैं करके ही गई थी लड्डू लेकर आई थी ना तो मैंने लड्डू भी चढ़ा दिए हैं भी और मही लेकर आई हूँ तो जिसका बनेगा रायता बनी इसका मैं रायता बनाने वाली हूँ खाना पीना तो मैं बना कर गई थी बस कार्तिक को अभी लड्डू दे दे रहे हैं बिना नहाए धोए लड्डू खाएगा कब नहाओगे नहाओगे कि नहीं नहाऊंगा नहाओगे पहले लड्डू खा लो लड्डू गोपाल बन जाओ तुम तो। क्या है जी कुछ नहीं है अच्छा है खा लो प्रसाद को ऐसे नहीं बोलते हैं चलो बैठ जाओ वहाँ है कैसा है अच्छा अच्छा टेस्टी वाला लड्डू है आज थोड़ा दूसरा वाला लेकर आए नया वाला लेकर आए